इंदौर से 60 किलोमीटर दूर बड़वाह के समीप स्थित खेड़ी घाट पर नवरात्रि उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां हो रहे नवरात्रि आयोजन की खासियत ये है कि मां काली के परम भक्त टाटम्बरी सरकार द्वारा माता रानी की पूजा कर श्रद्धालुओं द्वारा किए जा रहे गर्भों में ढोलक की थाप दी है। एक संत द्वारा माँ नर्मदा के किनारे स्थित आश्रम में माँ दुर्गा की आराधना की जा रही है। संत टाटम्बरी सरकार नवदुर्गा उत्सव के दौरान माता रानी का विशेष पूजन करते हैं। माँ नर्मदा के परम भक्त टाटम्बरी सरकार की प्रसिद्धि इस बात से झलकती है कि वो प्रसिद्ध होने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। वहीं उनके शिष्यों की संख्या इतनी है कि मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत के लोग भी उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हालांकि आधुनिक दुनिया से दूर मां नर्मदा की गोद में रहने वाले संत टाटम्बरी सरकार किसी पहचान के मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें देश दुनिया की बजाय मां नर्मदा के दिन रात निहारना अच्छा लगता है। इसलिए वो मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक नर्मदा किनारे पर ही रहते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी नवरात्रि में अपने भक्तों के बीच बापू के नाम से मशहूर संत टाटम्बरी सरकार ने उम्र के एक बड़े पड़ाव को पार को पूरा करने के बावजूद मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। वहीं वो गरबा आयोजन के दौरान घंटों तक ढोलक बजाते हैं जिसकी थाप पर भक्त बड़ी संख्या में एकत्रित होकर गरबा करते हैं। आपको बता दें कि बड़वाह के खेड़ी घाट पर नवरात्रि के दौरान भक्तों भारी भीड़ उमड़ती है और भक्त मां दुर्गा का आशीर्वाद लेकर अपनी मन्नत लेकर पहुंचते हैं और टाटम्बरी सरकार के दर्शन लाभ भी लेते हैं। फिलहाल बापू के नाम से मशहूर संत टाटम्बरी सरकार मध्य प्रदेश में है, लेकिन वो आने वाले समय में नर्मदा के किस तट पर होंगे इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। इसलिए उनके भक्त हमेशा उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि जय हो टाटम्बरी सरकार की।